ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मुझे लगता है कल को जब मैंने उड़ान के पोएम्स लिखे या जब उड़ान की कहानी से मैंने रिलेट किया तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस किताब का भी था, बिकॉज अल्टीमेटली फ्लाइट की ही बात हो रही थी, और वहाँ भी एक एक मेरे मतलब एक 17-18 साल का लड़का था जो ड्रीम कर रहा था, और उसको और कोई कह रहा था कि तुम मत उड़ो, और वो बंदा उड़ गया एंड में। Hi guys, welcome to Chalchitra Talks. My name is Vaibhav and in this guest episode, Dhindol and I talk to Mr. Satyanshu Singh, who is a writer and a national award-winning filmmaker. Inki debut film Chintu Ka Birthday, which he co-directed with his brother Devanshu Singh, released on Zee5. It's an amazing film that you should definitely check out agar aapne abhi tak nahi dekhi hai. Inhone abhi recently kitab bhi likhi hai, which he has co-written with Ram Kumar Singh, and the book is called Idea Se Parde Tak, Kaise Sochta Hai Ek Film Lekhak. So it's an amazing, amazing book, and we have put the link in description and you can check it out there. Satyanshu has also created and led the mentorship program for writers called AIB First Draft. He has written poetry in the film Udaan, and humne inke sath bahut sari baatein ki. We discussed movies, we discussed books, we discussed a lot of things with him. So without wasting any time, let's jump right inside the episode we recorded with Mr. Satyanshu Singh. Hi Satyanshu, welcome to Chalchitra Talks. कैसे आप? Hi, Vaibhav. I'm fine. I'm very well. Thank you. हम बहुत टाइम से ये एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहते थे. मैं आपका लाइक फिल्म्स के लिए जो प्यार है, मैं आपको ट्विटर पे भी बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ. तो आप वहाँ पे जो जर्नलिंग करते हैं, लाइक एवरी मूवी दैट यू हैव सीन, एंड दैट हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड मी अलॉट. और मेरे को तब से लगता था कि सिनर्जीज इतनी मैच करती है कि एपिसोड करना है. एंड आई एम वेरी हैप्पी वी आर डूइंग इट टूडे. एंड सबसे पहले मैं मूवीज की ही बात करना चाहता हूँ आपसे. एंड मूवीज में ऐसी कौन सी वो पांच मूवीज हैं, लाइक विच शेप्ड योर लाइफ? आई थिंक 10 साल का था, शायद 10 साल का होगा जब मैंने हम आपके कौन देखी थी। और यार मेरे लिए वो आज भी बहुत स्पेशल मूवी है, और उसके उसके कारण बहुत हैं। और थैंकफुली जो उसका जो उसकी मेकिंग है, जो उसका डायरेक्टिंग है, वो अभी भी एज नहीं हुआ है। बिकॉज जो लोग डायरेक्टिंग जानते हैं, आप उनसे बात करोगे तो सूरज बड़जात्या का जो ब्लॉकिंग है, वो जिस तरह से शॉट डिजाइन करते हैं, वो बहुत ही उसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो वो थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, थोड़ा वो अब क्लीशे हो गई हैं बहुत सारी चीजें, बट उसमें अभी भी बहुत कुछ सीखने को। थैंकफुली इट्स स्टिल अ मूवी दैट आई कैन वॉच। बट जब मैं बच्चा था और मैंने फिल्म देखी थी, तो ऑफ कोर्स सिनेमा हॉल में देखी थी, सिंगल स्क्रीन थिएटर में, हम बिहार के एक छोटे से शहर में। और वो फिल्म देखने के बाद अगले हफ्ते मैं हॉस्टल चला गया था। मतलब वो हॉस्टल जाने के पहले मेरी शायद आखिरी मूवी होगी वो थी, और एक करण अर्जुन थी, ये दोनों फिल्में आखिरी मूवी थी। और उसके बाद मैं चला गया था हॉस्टल। तो हॉस्टल जब नया नया गया था तो बहुत ज्यादा, अब घर की याद तो आती थी, मैं बच्चा था तो घर की याद आती थी, भाई देवांशु उसकी याद आती थी। तो ये हम आपके कौन और करण अर्जुन जैसी मूवीज याद करके और उसके गाने गा के मैं ऐसे सेंटी हुआ करता हाँ था। जब मैं समर वेकेशन में वापस घर गया तो हम आपके कौन तब भी प्ले हो रही थी, थिएटर से वो गई ही नहीं थी। मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया और फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही थी। तो हम लोग दोबारा गए देखने के लिए वो फिल्म थिएटर में। और उसके कारण क्या हुआ, मुझे याद है कि वाइल ग्रोइंग अप ना अर्ली 90s में बिग स्क्रीन पे जो बहुत सारी जनरली जो फिल्में आती थी ना, वो देखने लायक होती नहीं थी। मतलब अच्छे घर के लोग नहीं जाते थे देखने, औरतें नहीं जाती थी। हाँ, मेरी बुआ और मेरी मम्मी वगैरह छुप छुप के मूवीज देखने जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त माहौल ना अर्ली 90s का बड़ा अजीब था। तो उस वक्त हम आपके कौन ऐसी मूवी आई थी जिसमें कि घर के बूढ़े बुजुर्ग सब जाकर देख रहे थे। तो ओवरऑल ना मूवी का कल्चर बना था बिकॉज ऑफ हम आपके कौन। अचानक से मूवीज बिकेम अ थिंग विच पीपल डिडंट माइंड। हाँ ठीक है, हम आपके कौन देखने जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है उस फिल्म में, कुछ बुरा नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, ऐसा था। तो उसके कारण ना मुझे ये दिखा कि जब कोई मूवी अच्छे से एक्सेप्ट करता है, कोई सोसाइटी जब एक्सेप्ट कर लेती है किसी मूवी को, तो वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है वो मूवी। और उसके बाद हर हर घर में वही बात हो रही होती है। अच्छा आप देखे या नहीं, तुम देखा है हम आपके कौन, वो चल रहा है हर जगह। और वो पहली बार मैंने देखा कि किसी फिल्म का ऐसा एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड ऑफकोर्स उसमें जो घर परिवार माँ बाप भाई वो वाला एस्पेक्ट था, वो भी न्यू हॉस्टलर के लिए वो बहुत थोड़ा इमोशनल बात हो गई थी। तो इसीलिए आई आई बिलीव उस एज में हम आपके कौन का बहुत बड़ा असर था।
मतलब भाभी जी के डेथ, तो वो लाइफ में तो उस वक्त डेथ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने तब तक, थैंक गॉड। तो भाभी जी के डेथ जो हुई थी, तो पहली बार लगा था कि घर का कोई सदस्य मर गया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था हम आपके कौन का। और उसके 4 साल बाद, 3 4 साल बाद मैंने सत्या देखी थी। सत्या देखकर पहली बार जो ना फिल्म मेकिंग में कुछ दिखने लग गई चीजें, जो हम आपके कौन तक हम लोग ऑडियंस की तरह देखकर ताली बजा रहे थे। मैंने देखा सत्या में, एक तो देखा मैंने कि 10 गुंडे पकड़ के हीरो को मार रहे हैं, और हीरो जो है वो मार खा रहा है, मतलब अच्छा हीरो मार खा रहा है उस पे। और जब वो मार रहे हैं ना, तो उसको डिशुम डिशुम की आवाजें नहीं आ रही, साउंड इफेक्ट एकदम ही नेचुरल, पीछे बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत हॉन्टिंग, बारिश की आवाज आ रही है। मुझे लगा ये क्या साउंड डिजाइन है। तो उस वक्त पता नहीं था इसको साउंड डिजाइन कहते हैं, बट पता था कि ये कुछ अलग हो रहा है। अभी ये मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, अगेन वो बिग स्क्रीन पे देखा था। और उसमें एक और चीज थी जो कि बाद में हम लोग एडिट में, हम लोग उसको जे कट बोलते हैं। जे कट क्या होता है कि सीन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सीन का जो साउंड है वो शुरू हो गया, तो एक सीन खत्म हुआ नहीं, अगले सीन का डायलॉग स्टार्ट हो गया। मेरे को यहाँ पे एक सवाल है। मेरे को तो लोग एल कट नहीं होता, वो एल और जी अलग अलग कट्स होते वो हैं। उल्टा होता है, देखो वो तुम टाइमलाइन पे डालोगे ना, तो ऐसे हाँ भी होता है और ऐसे भी होता है। तो जब हाँ सीन खत्म हो गया लेकिन सीन की आवाज अभी भी चल रही है, तो वो एल कट होता है। लेकिन गॉट सीन इट। खत्म नहीं हुआ और अगले सीन की और आवाज ऑडियो चल रही पहले आ है, गया तो वो जी होता है। जे कट होता है। तो गॉट ऐसे इट। तो ये ऑर्सन वेलेस ने सिटीजन केन में ही किया हुआ है, तो मतलब बहुत हाँ पुराना टूल है ये। लेकिन हाँ मैंने पहली बार देखा, बॉलीवुड देखता था, मुझे क्या पता था कि सिटीजन केन करके कोई फिल्म बनी है। तो मैंने जब सत्या देखी 98 में, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, सीन खत्म नहीं हो रहा है, अगले सीन के डायलॉग की आवाज चालू हो गई। तो वो चीज भी एकदम हिट कर गई कि यार ये गजब है। और ये फिल्म ना मैंने केरला में देखी थी, हम लोग एक ऐसे ट्रिप पे गए थे, तो केरला में एक सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी थी। और अडल्ट फिल्म थी, फिर भी अच्छा है, हिंदुस्तान में ज्यादा लोग पूछते नहीं है, बच्चा था मैं, फिर भी घुसा दिया, देख ली फिल्म। जब मैं वापस लौट रहा था ना, तो उस वक्त हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करते थे स्लीपर क्लास में, तो केरला से बिहार तक का जो ट्रेन का सफर था वो बहुत लंबा होता था, मतलब ऐसे कुछ 3 दिन 2 रात ऐसा, ठीक है। तो उसमें मुझे याद है कि रात को मैं अपर बर्थ पे लेटा हुआ हूँ और पूरी फिल्म को रिवाइज कर रहा हूँ मैं अपने दिमाग में, कि पहले सीन में ये था, फिर अगले सीन में ये था। एंड आई कुड एक्चुअली डू दैट, बिकॉज उसमें कुछ भी फालतू का सीन नहीं है, सब कुछ इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है कि मैं लेटा लेटा ट्रेन की बर्थ पर पूरी फिल्म के स्क्रीन प्ले को रिवाइज कर रहा था। मुझे उस फिल्म को देखने के बाद समझ में आ गया था कि फिल्म मेकिंग में तो कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत फैसिनेटिंग नाइस। चीज है। सो सत्या आई थिंक इज द सेकेंड फिल्म। द थर्ड फिल्म विच केम 3 इयर्स आफ्टर सत्या इज लगान। लगान के बारे में आपके ही चैनल पर मैंने हिंडोल के साथ इतनी लंबी बातचीत की है कि वो दोबारा हाँ करने जी का मतलब नहीं, या बट व्हाट हाँ लगान डिड वाज कि अगर हम आपके कौन ने सिनेमा से प्यार कराया और सत्या ने फिल्म मेकिंग का दरवाजा खोला, तो लगान ने बताया कि बेटा सीखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कुछ अलग है मामला, ये ना एक एक अलग लेवल की चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसको सीखना समझना पड़ेगा। लगान इसलिए भी मैं काउंट करूंगा क्योंकि लगान जब ऑस्कर में गई और हार गई ना, तो मैंने बोला यार ऐसी कौन सी फिल्म से हार गई, तो इसलिए मैंने नोमैंस लैंड देखी, और नोमैंस लैंड मेरी पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म हो गई। फिर मैंने एमली देखी क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड थी। जब मैंने नोमैंस लैंड और एमली देखी, तो मेरा वर्ल्ड सिनेमा का एक्सप्लोर करने का एकदम चालू हो गया कि अरे ये तो अलग ही दुनिया है। उसके बाद लगान के वक्त ना मैं बड़ा फॉलो करता था आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान के इंटरव्यूज को, तो उन लोगों के इंटरव्यूज में था कि हम तो जो फिल्में हमने हमने जो लगान फिल्म बनाई है, इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस 1950s और 60s के हिंदी सिनेमा के जो दिग्गज फिल्म मेकर्स हुए उनका है। तो वो लोग बिमल रॉय और वी शांताराम और गुरुदत्त और ऋषिकेश मुखर्जी, इन लोगों का नाम लिया करते थे, तो मैंने इनको देखना शुरू किया। मैंने देखी नहीं थी ये फिल्में। जो भी मैंने सिनेमा का एक्सप्लोरेशन एक्चुअल सीरियसली चालू किया, वो मैंने लगान के कारण किया, लगान के बाद किया। सो दैट इज द थर्ड फिल्म। द फोर्थ फिल्म वुड बी, जब मैं वर्ल्ड सिनेमा देखने लग गया काफी, तब मैंने क्रिस्टोफ किज़लोस्की की 3 कलर्स देखी, स्पेशली ब्लू। वो और क्या था कि जिस डीवीडी में मैंने देखा ना, उसमें एक कमेंट्री भी था, एक फिल्म क्रिटिक की कमेंट्री थी, पूरा रन टाइम, मतलब अगर 100 मिनट की फिल्म है तो 100 मिनट की कमेंट्री। तो मैंने फिल्म देखी तीनों, फिर तीनों फिल्म की कमेंट्री सुनी, और अचानक दिखने लग गया कि डायरेक्टर एक्चुअली क्या कर सकता है। एक आप एक स्क्रिप्ट जो है वो ठीक है, मगर उसको विजुअली जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप क्या। तो किज़लोस्की बिकेम
परहैप्स माय फेवरेट फिल्म मेकर। और उसमें दो की शायद ऐसी स्टार्टिंग है ना, मेरे को याद नहीं, वो व्हाइट है, रेड है या ब्लू है, एक तो लगेज वाला, एक टायर वाला है तो मेरे को याद नहीं विच इज विच, टायर बट वाला ब्लू है एक, और लगेज वाला व्हाइट है और हाँ टेलीफोन वायर्स वाला रेड है। तीनों के गॉट इट। का बिगनिंग ऐसे होता है। तो उसके कारण ना बहुत कुछ, मतलब एडिट, साउंड डिजाइन, कैमरा वर्क, लेंसिंग, बहुत सारी चीजें, कलर का यूज, बहुत कुछ उससे उससे पता चला। और वो तो फिल्म स्कूल है, मतलब किसलोवस्की तो अपने आप में फिल्म स्कूल है। सो चौथी फिल्म मैं बोलूंगा थ्री कलर्स ट्रिलॉजी बाय किसलोवस्की। व्हाइट और रेड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको लगता है जो लोग देखेंगे, या सिर्फ ब्लू से भी काम हो जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तीनों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तीनों टोनली बहुत डिफरेंट फिल्म्स हैं। और मेरे हिसाब से तो तीनों देखना ही चाहिए, बिकॉज वो उनकी आखिरी तीन फिल्में हैं किसलोवस्की की। एज अ डायरेक्टर उनको फॉलो करना इसलिए भी मुझे मतलब सही लगता है, क्योंकि आप किसलोवस्की के करियर की अर्ली फिल्म्स देखोगे ना तो कोई बहुत महान फिल्में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई। तो ऐसा लगता है पूरे करियर वो सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे, और इवेंचुअली उन्होंने अपने अपना मास्टरपीस बनाया, विच इज डेकालॉग, डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक एंड थ्री कलर्स। तो वहां पे मुझे लगता है कि हम जैसों के लिए बहुत उम्मीद है कि हमारा करियर भी नाइस। शुरू हुआ है, ज्यादा जानते नहीं हम लोग, हमारा काम बहुत ग्रेट नहीं है। और किसलोवस्की ने ना, मतलब ही वॉज इन हिज अर्ली 50s व्हेन ही मेड दीज फिल्म्स, एंड देन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट 53 के एज में। उन्होंने ये तीनों फिल्में एक साथ बनाई थी, और तीनों फिल्में कुछ 8 महीने के अंतराल में तीनों फिल्में आई थी। तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, 93 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ब्लू आई थी, 94 के बर्लिन में वाइट आई थी, और 94 के ही कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड आई थी। तो विद इन नाइस 8 to 10 months तीनों फिल्में आई थी। वो तीनों फिल्में साथ बना रहे थे, मतलब वो एक फिल्म शूट कर रहे थे तो पिछली फिल्म एडिट कर रहे थे और अगली फिल्म की राइटिंग कर रहे थे, ऐसे वो तीनों फिल्में बनी हैं। और जब कैन फिल्म फेस्टिवल में वो पाम डे ओर में पल्प फिक्शन से हार गई रेड, मगर रेड के प्रीमियर पे ही किसलोवस्की ने अनाउंस किया था कि मुझे सिनेमा के मीडियम कुछ इतना एक्सप्लोर करना था, मैंने कर लिया, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, तो अब मैं रिटायर कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग से। सो एट द एज ऑफ 53-54 उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, और 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो 56 के एज में उनकी डेथ हो गई। एंड देन द फिफ्थ फिल्म That has affected my life is my own film Chintu Ka Birthday, and उसका रीजन मैं बताता हूँ। वो फिल्म दुनिया के लिए तो पिछले साल बाहर आई है ना, 2020 में वो फिल्म रिलीज हुई। तो 2020 में जब वो फिल्म आई तो उसके कारण मुझे और काम मिलने लगा है, वो सब सेकेंडरी है। मेन चीज है कि मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, मेरे फौज में नौकरी थी, मैं सब कुछ छोड़कर बम्बई आया ही क्योंकि मेरे हाथ में चिंटू का बर्थडे का स्क्रिप्ट था। तो चिंटू का नाइस बर्थडे की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी एज अ 23 ईयर ओल्ड। आई वॉज 23, आई वॉज इन मेडिकल कॉलेज, और क्लासरूम में मैंने वो फिल्म लिखी थी, मतलब क्लासरूम में सर्जरी और मेडिसिन के लेक्चर्स के बीच बैक बेंच पर बैठकर पेन और पेपर से मैंने उस पूरी फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखा था। तो वो फिल्म लिखी गई और उसके बाद उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा स्क्रिप्ट का, उसके कारण हिम्मत आई और उसके कारण मैंने डिसाइड किया कि सब कुछ छोड़कर बॉम्बे आना चाहिए। तो इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन जो फिल्म ब्रिंग अबाउट करता है उसको तो काउंट करना ही पड़ेगा ना अमंग फिल्म्स दैट शेप। बिल्कुल फिर विक्रम मोटवाने ने वो फिल्म पढ़ी, उन्होंने उड़ान में पोएम्स लिखने को दे दिया, फिर अनुराग कश्यप ने वो फिल्म पढ़ी, शेखर कपूर ने वो फिल्म पढ़ी, बहुत लोगों ने हिम्मत दी हम लोगों को उस फिल्म के कारण। इंडस्ट्री में हम बहुत लोगों से मिले, प्रोड्यूस किसी ने नहीं किया, मगर हम उस फिल्म के कारण बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों को हम जान जान पाए, बहुत लोग हमको जान पाए। तो पूरा हमारा जो करियर का फाउंडेशन है वो उसी फिल्म के कारण बना। अब वो फिल्म रिलीज हुई और उसका जो भी हश्र हुआ, लोगों को पसंद आए नहीं आए, वो तो ठीक है, वो अलग कहानी है, बट उस फिल्म को लिखना ही अपने आप में मेरे हिसाब से दैट डिटरमाइंड द कोर्स ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो या, दीज आर द 5 फिल्म्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। आई थिंक ये कैसा सवाल है जो हमें, लाइक यू ऑल्सो न्यू कि हम मूवीज रिकमेंडेशन की बात करेंगे, बट एक मैं ऐसे ही रैंडम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा एक मूवी का क्लब है व्हाट्सएप पे, वहां पे कल एक मीम आया था दैट जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कहा था कि मार्वल इज नॉट सिनेमा, कुछ लोग कहते हैं, तो एक ऐसे ग्राफ आया था कि मार्वल इज सिनेमा, फिर ग्राफ के टॉप पे मार्वल इज नॉट सिनेमा, फिर तीसरा है पॉल स्क्रेडर जहाँ पे कह रहे हैं मार्वल इज सिनेमा एंड सो आर कैट वीडियोस कि कैट वीडियोस भी सिनेमा है।
तो ये जो पॉल स्नेडर ने ये चीज बोली है, इसके बारे में आपका क्या सोचता है? एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, हाउ टू रीड अ फिल्म। जेम्स मोनागो उस किताब के ऑथर हैं, जो मोशन पिक्चर है उसको उन्होंने ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली बढ़िया। कैटेगरी है सिनेमा, दूसरी कैटेगरी है फिल्म, और तीसरी कैटेगरी है मूवीज। नाइस। सिनेमा उनके हिसाब से एस्थेटिक पार्ट ऑफ मोशन पिक्चर है, जो कि लैंग्वेज है हमारा, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं एज फिल्म मेकर्स। तो जब मार्टिन स्कॉर्सेसी कह रहे हैं कि मार्वल मूवीज आर नॉट सिनेमा, वो एक्चुअली उस डेफिनेशन के हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि सिनेमा का जो एक्चुअल जो एस्थेटिक है वो स्टोरी टेलिंग भी नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो थीम्स नहीं है, वो इमेज, साउंड और टाइम, इन तीन चीजों के लैंग्वेज को यूज करके एक ह्यूमन एक्सप्रेशन है। ओके, तो इसीलिए वो सिनेमा है। मतलब अब मैं ये जेम्स मोनागो को कोट कर रहा हूँ, मैं अपने आप के अपनी अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, बट आई इन अ वे आई अग्री विद दैट। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है फिल्म। फिल्म क्या है? फिल्म इज लाइक, फिल्म इज द एक्चुअल एंटिटी, राइट? इज द सिल्वर सॉल्ट कोटेड फिल्म विच गेट एक्सपोज टू लाइट एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण वो फिल्म में एक इमेज छप जाती है, राइट? तो जेम्स मोनाको कहते हैं कि ये जो फिल्म है ना, इसका पॉलिटिकल पावर है। फिल्म के माध्यम से आप अपने मन की बात, आप अपने थीम्स, आप सोसाइटी में आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्या चेंज लाना चाहते हो, तो वो फिल्म है। द पॉलिटिकल पावर ऑफ मोशन पिक्चर इज फिल्म। तो उसमें आपका, आप अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिज्म की बात कर रहे हो, लाइक जॉन लुक गोडार्ड, तो वो भी फिल्म है। आप अगर फेमिनिस्ट कंटेंट बना रहे हो, फेमिनिस्ट वॉइस है आपकी, तो वहां पर वो फिल्म है। आप अगर पर्सनल एंग्स्ट कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो फिल्म है। तो यहाँ पर फिल्म बिकम्स अ पोलिटिकल वेपन। और जो थर्ड डेफिनेशन है वो है मूवीज। मूवीज इज द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा, जो कि पैसे कमाने का माध्यम है, एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों के घर में उसके कारण रोटी आती है। तो मेरे हिसाब से तो मार्वल मूवीज नहीं होंगी तो सिनेमा हॉल कैसे सर्वाइव करेंगे और लोगों के घर में रोटी कैसे आएगी, राइट? तो आई थिंक कि इम्पॉर्टेंट तीनों है, सिनेमा, फिल्म और मूवीज। ओके, बट आई थिंक स्कॉर्सेसी इज राइट कि वो सिनेमा नहीं है, वो मूवीज होंगी। तो वही है, मैंने एक थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के आंसर दे दिया। उस हिसाब से जो कैट वीडियोज हैं, कैट वीडियोज भी अपने आप में मूवीज हैं, हम एंटरटेन हो मूवीज रहे हैं और चाहे तो मोनेटाइज कर लें उसको, बट हाँ, ना तो वो सिनेमा है ना वो फिल्म है, वो मूवीज। गॉट इट। हम बात करेंगे जो मूवीज अभी हमने बात की जिन्होंने आपको अफेक्ट की, और ये ऐसी मूवीज है जो फेयरली नोन है। मेरे को थोड़ी फेयरली अननोन मूवीज की या लेसर नोन मूवीज की भी बात करनी है, पर पहले मेरे को आपकी वो साइड देखनी है कि जो एक होता है ना कि यार आप पूरे दिन हम बातें करते हैं, लाइक द फिल्म्स विच आर लाइक इफ आई मे से थोड़ा इंटेलेक्चुअल साइड पे जो है, पर मेरे को आपकी गिल्टी प्लेजर्स की बात करनी है यार, कि कोई ऐसी पिक्चर हो जैसे वो अब वो है भाई, मेरे को कौवा बिरयानी वाला सीन 100 बार देखना है तो मैं देख रहा हूँ, मतलब ऐसी कौन सी चीज है लाइक द हाँ, फिल्म्स एंड दैट यू गोइंग आर। गोइंग बाय द हाँ, डेफिनेशन, हमने अभी सिनेमा की बात कर ली, तो लेट्स टॉक अबाउट मूवीज। व्हाट मूवीज, आर गुड फाइव वन। मूवीज व्हाट यू लाइक? हाँ, एम्बैरेसिंग जिसको लेके कि यार जब सब चले जाते हैं ना, कभी कभी जब मैं बिल्कुल ऐसे वो हो रहा होता है ना तो मैं देखता हूँ शायद रोहित शेट्टी देखता हूँ या लाइक आई वॉच समथिंग लाइक दैट। एक फिल्म है जो कि मैं छुप छुप के ही देखता हूँ, और उसके गाने वाने सब मुझे याद है। मतलब उसके उसके लिरिक्स, उसका इंटरल्यूड, सब सब कुछ याद है मुझे। और वो फिल्म मैंने सिनेमा हॉल में जाके देखी थी, और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता हूँ वो मूवी। वो मूवी है व्हाट्स योर राशि। द हरमन बाबी जवन, हाँ अरे बाप रे। हाँ मैं देखो, उस वक्त मैं एक तो आशुतोष गोवारिकर का फैन था उस उन दिनों, और व्हाट्स योर राशि का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया था कि यार ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और उसमें मतलब आप मेरे से बात करोगे ना, मैं आपको उस फिल्म की बहुत सारी मेरिट्स बता दूंगा कि उस फिल्म में कितनी अच्छी चीजें बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस मूवी का जो टाइटल क्रेडिट सीक्वेंस है ना, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है? और उसमें नए एक म्यूजिक डायरेक्टर आए, सोहेल सेन, जिन्होंने सारे गाने बनाए थे। वो मेरे पड़ोसी हैं एक्चुअली, मेरे मतलब मेरे बिल्डिंग के नीचे उनका ऑफिस है, तो वो वहीं से काम करते हैं। तो
सोहेल सेन ने म्यूजिक बनाया और मुझे अच्छा, बहुत डाइवर्स और बहुत मुझे बहुत पसंद है उसका म्यूजिक। कोई सुनता नहीं है और ऐसे लोग भूल गए उसको, बट मैं अक्सर गाता हुआ पाया जाता हूँ व्हाट्स योर राशि टाइटल सॉन्ग और बाकी उसके गाने। और उसमें हर राशि के हिसाब से जो कोरियोग्राफी की गई है या हर राशि के हिसाब से जो जावेद साहब से लिरिक्स लिखवाए गए हैं, मुझे तो यार वो सब बहुत पसंद है। लेकिन मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि लोग बहुत मुझे जज करते हैं तो बट बहुत। लाइक अगर मान लीजिए कोई ऐसा लियो है या कोई जो भी क्वेरियन है, तो क्या मतलब वो डेप मतलब वो तो सुपरफिशियल लेवल पे टच किया होगा ना, वो तो थोड़ा बहुत तो उन्होंने वो अपना। ऐसा लिंडा गुडमैन नहीं है वो मूवी, लेकिन यार मुझे बहुत दिल जुड़ा हुआ उस मूवी से, कुछ कुछ है उसमें। और उसके गाने ऐसे मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी, और कभी कभी लगता है कि एज हो रहा है ये बहुत, हर बीतते साल के साथ एज हो रहे हैं गाने, मगर मेरा दिल जुड़ा हुआ है थोड़ा। तो व्हाट्स योर राशि, बट मैं एक्चुअली अगर बताऊँ ना तो और भी कुछ कुछ मूवीज हैं जो कि मतलब मैं नहीं बता सकता लोगों को कि यार ये मूवी देखो। नागिसा ओशिमा करके एक जापानीज फिल्म मेकर रहे हैं, बहुत बड़े मास्टर रहे हैं। तो उनकी एक 1970s की फिल्म है जिसका नाम है इन द रेलम ऑफ द सेंसेस। ना सिर्फ वो बहुत ग्रोटेस्क मूवी है, और नागिसा ओशिमा बहुत बहुत महान फिल्म मेकर माने जाते हैं, और उन्होंने ये फिल्म बनाई। उस फिल्म में कुछ नहीं हो रहा है, उस फिल्म में बस सिर्फ सेक्स है। और उन्होंने वो फिल्म जापान में प्रोड्यूस नहीं की, उन्होंने फ्रांस में प्रोड्यूस की, जिससे कि मतलब बन जाए वो फिल्म और बाहर आ जाए। ठीक है, फिल्म है जापानीज में ही है, ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में है ये फिल्म। तो मैंने ये फिल्म देखना शुरू की, तो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत कुछ कुछ हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब पता नहीं अभी देखते हैं क्या होगा, कहाँ तक जाएगा वो फिल्म। आगे बढ़ते 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 अलग ही लेवल पे चली जाती है, और उसके बाद तो बहुत ग्रोटेस्क हो जाता है फिल्म, एंड होते होते तक तो काफी डिस्गस्टिंग हो जाती है। वो फिल्म मेरे हिसाब से एक बहुत मस्ट वॉच किस्म की फिल्म है। मतलब हालांकि बहुत हद तक लगेगा कि ये तो पॉन ही है, मगर वो नागिसा ओशिमा का कहना ये था ना कि जो एक्ट, सेक्सुअल एक्ट होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा टिटिलेटिंग या बहुत ज्यादा इरोटिक या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। हम लोग उसको किस तरह से फिल्म करते हैं वो डिटरमिन करता है कि वो एक्ट कैसा होगा। तो दैट फिल्म इज ऑलमोस्ट अ थीसिस ऑन पोर्नोग्राफी। सो दैट फिल्म टेल्स अस दैट शी सी आई एम शोइंग यू एवरीथिंग बट इट इज नॉट टिटिलेटिंग। मेरे को यहाँ पे आपसे पूछना है, जैसे वो गैस्पर नोए की जो लव है, क्या कंपेरेबल है? मैंने लव देखी है, मैंने ये वाली नहीं देखी। लव मैंने नहीं देखी है, मगर लव अच्छा भी इतना एक्सप्लिसिट नहीं है जितना ये है। इस फिल्म में बस वही है और ओके बहुत कुछ भी स्टाइलिश नहीं है, सब कुछ बहुत बोरिंग है। मतलब उसको पोर्नोग्राफिक आर्ट फिल्म कहते हैं तो वो बहुत ही बोरिंग फिल्म है। बट हाँ, उसको मैं रेकमेंड कैसे करूं लोगों को, मतलब क्या ओके क्या दिख, क्या बोलूं, क्या देखो इसमें, है ना। तो ऑफ कोर्स वो एक इंटेलेक्चुअल, एक नागिसा ओशिमा का एक है कि भाई देखो इट्स अ थीसिस ऑन पोर्नोग्राफी, बट अब उतना अब किसको मतलब है पोर्नोग्राफी पे तो। वो एक है। उसके बाद ना एक 1980 की एक एक्सप्लॉयटेशन फिल्म है, काफी ऐसे सी ग्रेड टाइप फिल्म है, कैनिबल होलोकॉस्ट। ये फाउंड फुटेज जॉनर होता है ना, फाउंड फुटेज जॉनर का वो ऑलमोस्ट प्रिकर्सर है, मतलब वहीं से शुरू हुआ फाउंड फुटेज। वो कैनिमल होलोकॉस्ट क्यों नहीं मैं रेकमेंड करूंगा, उसमें जो एनिमल क्रूएल्टी दिखाया गया है ना, वो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि वो एक ही फिल्म है जिसको देखते वक्त मुझे लगा था कि मुझे ऐसे वोमिट वोमिट कर दूंगा मैं। मतलब देखो, मैं ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में जा चुका हूँ, मैं मॉर्ग में जा चुका हूँ, मैंने पोस्टमार्टम देखा हुआ है, मतलब मैंने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना, तो फिल्में देखकर मुझे उल्टियां नहीं आती हैं। आप कुछ भी दिखा दो मुझे, मैं रीजनेबली ठीक ठाक झेल लेता हूँ। मगर कैनिबल होलोकॉस्ट इतना ज्यादा रिवोल्टिंग फिल्म है, उसमें एनिमल क्रुएल्टी इस लेवल की है कि आप बोलोगे कि यार ये तो गलत है, आप अपनी फिल्म के लिए इस तरह कर रहे हो। तो अगेन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म एंड नॉट अ फिल्म आई कैन रिकमेंड टू पीपल, बट मुझे बहुत पसंद है फिल्म। उसमें उसमें एक तो फाउंड फुटेज जॉनर का बहुत इंटरेस्टिंग यूज किया हुआ है, और हॉरर एडवेंचर में बेसिकली कैनिबल आइलैंड में कुछ लोग फंस जाते हैं तो उनको कैनिबल्स पकड़ के खा जाते हैं, यही है फिल्म। ठीक है ना, और फिर वो फुटेज मिलता है और उस फुटेज को हम रिविजिट करते हैं। तो कैनिबल होलोकॉस्ट एक फिल्म है, और मैंने रिसेंटली 1997 में लोलिता पे एक फिल्म बनी। लोलिता पे तो क्यूब्रिक ने भी फिल्म बनाई है, बट लोलिता पे 97 में एक फिल्म बनी
जेरेमी आरन्स उस फिल्म में लीड एक्टर हैं यार। वो फिल्म भी बहुत डिफिकल्ट वॉच है। मतलब मैं वो फिल्म देख रहा था, मुझे लगता था मैं हॉरर फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो फीमेल, जो ललिता जिस लड़की ने प्ले किया है, वो एकदम बच्ची है, शी इज अ किड, बट जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है एंड द वे, मतलब इट्स क्वाइट एन एक्सप्लिसिट फिल्म, ओके, तो वो देखना बहुत डिस्टर्बिंग है कि यार ये एक बच्ची को लेकर आप फिल्म आपने बनाई हुई है, मगर उस फिल्म की मेकिंग इतनी बढ़िया है ना, उस फिल्म का जो डायरेक्टिंग है, उसके कॉम्पोजिशंस, उसके उसका शॉट डिजाइन, उसका एडिट इतना अच्छा है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये ना अलग कुछ हो रहा है यहाँ पर। एक ऐसी फिल्म है जिसका कंटेंट बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत डिस्टर्बिंग, और ऑलमोस्ट इट प्लेज लाइक अ हॉरर फिल्म, कि यार ये और मत दिखाना प्लीज, और मत, अरे शिट दिखा दिया, वैसा है। बट बिल्कुल द मेकिंग इज सो गुड एंड जेरेमी आयरन्स का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अमेजिंग है कि यार वो फिल्म, अगेन आई मीन आई कांट रिकमेंड इट टू पीपल, मुझे तो बहुत पसंद आई। और लार्स वॉन ट्रायर की निम्फोमेनियक भी एक मैं जरूर काउंट करूंगा, मतलब 5-6 घंटे का इंटेलिजेंस है, बट मुझे बेहद पसंद है वो फिल्म, और करना नहीं चाहता हूँ ये फिल्म मैं हाँ, ये वो रेकमेंड। डिस्क्लेमर दे के बतानी पड़ती है भाई, ये रीजन है, नहीं तो ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया कि जाके जैसे वो एक पिक्चर देखी थी मैंने, मैं रेकमेंड नहीं किया था, ह्यूमन सेंटीपेड 2, अब ऐसे जाके बोलता नहीं कि जाके देखो, पर थॉट के लिए मतलब ऐसे देख सकते हो कि थॉट है उसमें। हाँ, मेरे को जैसे एक पिक्चर बहुत पसंद है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट नो मैन, कब मेरे को उस पर एक वीडियो बनाना है कभी। मुंबई एक्सप्रेस देखी आपने, कमल हसन और विजय राघव की? वो अरे इतनी यार इतनी पसंद है वो मेरे को, पता नहीं मतलब उसको कहाँ पे माना जाता है, हिट है फ्लॉप है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट, बट वो कि इतनी फनी लगती है मेरे को। लाइक आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वी हैव सीन दैट फिल्म? बहुत पसंद है मुंबई एक्सप्रेस एंड कमल हसन का जो कॉमेडी जॉनर है, ही इज वन ऑफ द फनीस्ट एक्टर्स। जो कॉमेडी वाला स्पेस है उनके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे पुष्पक है या देर इवन चाची 420 एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर फिल्म्स दैट ही इज डन इन दिस स्पेस। मुंबई एक्सप्रेस मुझे तो काफी पसंद है एंड अपेरेंटली इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म टू बी शॉट इन इंडिया ऑन डिजिटल फॉर्मेट, तो वो भी कुछ उसका है ट्रिविया। वो फिल्म आप क्यों मेंशन कर रहे हो, मतलब आफ्टर दीज फिल्म्स कुछ उसमें भी है क्या कॉमेडी? एम्बैरेसिंग, मेरा वो शर्म मतलब आती है, क्योंकि मेरे को उसकी स्टुपिडिटी की वजह से पसंद है वो। इट्स लाइक समटाइम्स इट गेट्स सो स्टुपिड कि बच्चे को किडनैप करना है तो क्रेन लगाई हुई है, क्रेन ना ऐसे जंगल में, को पीट वो स्पोर्ट्स डे चल रहा है, स्पोर्ट्स डे में एक पर्टिकुलर बच्चा सुसु करने जाता है, वो फिर क्रेन उसको वहां से उठा के लेके जाती है, एंड इट हैज विजय राज, तो विजय राज ने उसमें जो ऐसे रोल प्ले किया है, लाइक इट्स लाइक वेरी स्टूपिडली फनी। ये कुछ हो गई हमारी एम्बैरेसिंग फिल्म्स। अब आते हैं लाइक जो हमारा लेसर नोन फिल्म्स की बात करते हैं, थोड़ा बैलेंस कर देते हैं इसको, ऐसी वो लेसर नोन फिल्म्स जो आपको लगता है कि यार ये ढूंढ लो, पता नहीं मिलेगी कौन से ओटीटी पे, नहीं मिले तब भी वो आप अपने तरीके से ढूंढो, हम ट्राई करेंगे टॉरेंट नहीं बोले, बट लाइक अगर जहां से भी मिले देख लो, तो उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि कहीं अवेलेबल है नहीं है, बट लाइक द फिल्म्स व्हिच यू थिंक आर लेसर नोन, वी डोंट टॉक इनफ अबाउट, व्हिच यू थिंक वी शुड टॉक मोर अबाउट एंड व्हिच हैव इन्फ्लुएंस्ड यू। इसके लिए तो ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा मेहनत करके लिस्ट प्रिपेयर किया है, क्योंकि इतनी फिल्में देखी हैं यार, उनमें से क्या रेकमेंड करूं क्या ना करूं, और अल्टीमेटली मैंने गिव अप कर दिया। मैंने बोला यार मैंने ऐसे टॉप 10 नहीं कर पाऊंगा, मुझे 10 तो दिमाग में आई, वो मैंने लिस्ट बनाया, बिकॉज बताता एक तो लिस्ट बड़ा लंबा होता जा रहा था और उसके बाद भी बहुत, तो होता है ना कि ऐसे एक आई चेक मूवीज करके वेबसाइट है, तो उसपे ना आप चेक कर सकते हो आपने कौन कौन सी मूवीज देखी हुई है, तो उसमें अब हजारों मूवीज में से मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया था ऑफ कोर्स। तो ये 10 मुझे लगता है एब्सोल्यूट बेस्ट मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, बट सब अलग अलग कारणों से ये 10 रिकमेंडेशन मैं करूंगा, और इनको ना मैंने अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ रिलीज। 1949 में यासुजीरो ओजू, जापानीज मास्टर हैं, उनकी एक फिल्म है लेट स्प्रिंग। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ये फिल्म लोगों को पता नहीं है, ग्रेट फिल्म्स में काउंट किया जाता है, यासुजीरो ओजू के टॉप 5 मूवीज में लेट स्प्रिंग जरूर फीचर करता है, और जनरली फिल्म बफ्स ने देखी होगी ये फिल्म, बट आई थिंक लेट स्प्रिंग एक फिल्म है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते ज्यादा, बात नहीं करते मतलब ओजू की भी ना लोग टोक्यो स्टोरी की बात करते हैं,
लेकिन लेट स्प्रिंग की ज्यादा बात नहीं करते। मेरी फेवरेट ओजू फिल्म है लेट स्प्रिंग। एक सिंगल फादर है और उसकी बेटी है, और बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन बेटी शादी नहीं कर रही कि पापा अकेले रह जाएं, और इवेंचुअली वो शादी कर लेती है। यही है फिल्म, और कुछ है नहीं इस फिल्म में। नहीं बहुत ज्यादा ये मुझे ऐसे सूरज बन जाता है और राशि प्रोडक्शंस का फील देता है कि बाप चाह रहा है कि बेटी शादी कर ले क्योंकि उसका जीवन देख रहा है, बेटी चाह रही है कि मैं शादी कर लूंगी तो बाप का कौन ख्याल रखेगा। बस यही कॉन्फ्लिक्ट है उस फिल्म का। और वो रिश्ते देखे जाते हैं, एंगेजमेंट हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिल्म खत्म हो जाती है। तो बहुत मुझे बहुत पसंद है फिल्म, बहुत ही प्यारी फिल्म है, इमोशनली बहुत ही हिट करती है। 1949 की फिल्म है तो बहुत एक सिंप्लिसिटी भी, ऐसे भी ओजू का स्टाइल बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव रहा है। तो ये एक फिल्म है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। दूसरी जो फिल्म है वो 1964 में मिखाइल कालातोजोव नाम के फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म है सोई क्यूबा, आई एम क्यूबा। ये फिल्म मतलब वन ऑफ द अर्लियस्ट एंथोलॉजीज दैट यू विल सी। इस फिल्म में चार शॉर्ट फिल्म्स हैं वन आफ्टर अनदर, और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म है ये। तो ये पूरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म ही है एक्चुअली। और 1960s में जब क्यूबा और यूएसएसआर के बीच रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, उस वक्त ये फिल्म क्यूबा के लिए सोवियत यूनियन ने प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म में बेसिकली वही कि जो लेबरर और वर्कर्स और फार्मर्स क्लास हैं उनके स्ट्रगल को दिखाने के लिए ये फिल्म है। बट ये फिल्म में क्यों ये फिल्म मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, एक तो ये एंथोलॉजी है, दूसरा ये बहुत ही स्टाइलिश फिल्म है, बहुत ही स्टाइलिश। इस फिल्म में ऐसे ऐसे कैमरा मूवमेंट्स हैं कि आप सर पकड़ लोगे कि ये कैसे किया है, ये अचीव कैसे हो गया है विदाउट सीजीआई। ओके, तो वो है इस फिल्म में सिर्फ एक लेंस यूज किया गया पूरी फिल्म में, और वो आई थिंक 9 या 12 mm है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड एंगल लेंस यूज किया गया। तो पूरी फिल्म का पर्सपेक्टिव जो है वो पूरा ट्विस्टेड है, और बहुत लिरिकल पोएटिक किस्म की फिल्म है, उसमें पोइम चल रहा है और उसमें इमेजेस हैं जो काफी इवोकेटिव हैं। तो बहुत स्टाइलिश और बहुत ही बहुत एक्सट्रीमली वेल शॉट फिल्म है। और ये फिल्म आई और फिर इस फिल्म को वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के एफर्ट से इस फिल्म को बैन कर दिया गया, तो ये फिल्म कभी लोग देख नहीं पाए। फिर बहुत सालों बाद मार्टिन स्कॉर्सेसी के एफर्ट से ये फिल्म वापस आई, और उसके बाद ये फिल्म लोगों तक पहुंची। मतलब एक्चुअल जो इसको व्यूअरशिप मिली वो 90s के बाद मिली, तो ऑलमोस्ट 30 years आफ्टर द फिल्म वॉज मेड, और बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मार्टिन स्कॉर्सेसी। थर्ड फिल्म हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, जब भी ऋषिकेश मुखर्जी का नाम लिया जाता है तो गोलमाल और चुप्पे चुप्पे और आनंद और बहुत हुआ तो अभिमान और है ना, ऐसी फिल्मों पे हम रह जाते हैं। बट ऋषिकेश मुखर्जी की जो मेरी फेवरेट फिल्म है वह है अनुपमा। बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म, और बहुत बढ़िया गाने उस फिल्म में, आई थिंक हेमंत कुमार का म्यूजिक है, बहुत बढ़िया फिल्म है। मतलब मेरे लिए ऋषिकेश मुखर्जी अनुपमा के फिल्म मेकर हैं। और अगेन ऋषिकेश मुखर्जी का इतना नाम लिया जाता है मगर इस फिल्म के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, तो मुझे लगा कि ये फिल्म मेंशन करना जरूरी है। इस फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट है वो फिल्म के पहले 45 मिनट्स तक मुंह नहीं खोलती, एक वर्ड का भी डायलॉग नहीं है फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स, और उसके बाद वो एक गाना गाती है, और गाना गाने के बाद उसका डायलॉग चालू होता है। और गाना है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है वो। धर्मेंद्र का बहुत ही सेंसिटिव साइड उस फिल्म में दिखा है, बहुत ही सेंसिटिव पोएटिक साइड धर्मेंद्र का, तो बहुत अच्छी फिल्म है वो। मैं तो बोलूंगा वो फिल्म बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। चौथी फिल्म अगेन परहैप्स द मोस्ट फेमस फिल्म मेकर ऑफ द लास्ट 3 decades ऑन दिस प्लैनेट, स्टीवन स्पीलबर्ग। स्पीलबर्ग की इतनी फिल्मों की बात होती है लेकिन स्पीलबर्ग की वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म है ड्यूएल, और उस फिल्म के बारे में लोग बात नहीं करते, और वो बहुत माइंड ब्लोइंग फिल्म है। उस फिल्म में एक हाईवे पे एक आदमी गाड़ी से जा रहा है, और ओवरटेकिंग को लेकर सामने एक ट्रक वाले के साथ उसका हो जाता है पंगा, और वो ट्रक वाले की शक्ल तक नहीं दिखाया, वो हो जाता ना गाड़ी से पता चल जाता ना कि वो बुरा मान गया है कि अभी तुम आगे निकलना चाह रहे हो तो वो आगे जाने नहीं दे रहा तुमको, फिर तुम निकल गए तो पीछे से हॉर्न बजा रहा है जबरदस्ती,
तो इस तरह ना एक दो गाड़ियों के बीच के ड्यूल की कहानी है ये फिल्म। पूरी फिल्म हाईवे पर है और पूरी फिल्म में बस यही हो रहा है कि दो गाड़ियां हैं और उनके बीच पंगा हो गया अभी, और जो जो कार है वो ड्राइव कर रहा है एक एक व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला मिडिल क्लास चश्मा पहनने वाला आदमी, और ट्रक कौन ड्राइव कर रहा है वो तो दिखाई नहीं, शक्ल ही नहीं दिखा रहा है तो वो ट्रक जो है वो मॉन्स्टर है एक्चुअली। बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है वो, एक्शन चेज रेस हॉरर थ्रिल सस्पेंस इन सब के लिए तो बहुत ही मजेदार फिल्म है। स्पीलबर्ग ने वो फिल्म टेलीविजन के लिए बनाया था बहुत पहले, मतलब आई थिंक 1971 या तब की फिल्म है ये, तो वे बिफोर हिज जॉज एंड अदर फिल्म्स व्हिच बिकेम ब्लॉकबस्टर्स। तो ड्यूएल इज द फोर्थ फिल्म दैट आई वुड रेकमेंड। द फिफ्थ फिल्म दैट आई वांट टू रेकमेंड इज, क्विज में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी फिल्म है जो डिम्पल कपाड़िया है, इरफान खान है और शेखर कपूर हैं, ये तीनों उस फिल्म के बताओ हिंडोल पिकाचू करो आंसर दो। आई थिंक दिस इज वो है ना नजर, आई थिंक दिस इज शेखर कपूर वाली कोई तो फिल्म नहीं है, दृष्टि या नजर, इट्स वन ऑफ दोस टू। दृष्टि है फिल्म, 1990 की फिल्म है, गोविंद निहलानी की फिल्म है और इसमें डिम्पल कपाड़िया प्रोटैगनिस्ट हैं और उनका हस्बैंड का रोल प्ले किया है शेखर कपूर ने, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो मीता वशिष्ठ है और इरफान खान है। इरफान खान बहुत ही यंग इरफान, और बहुत ही खूबसूरती से शॉट है ये फिल्म, बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है ये, बट किसी को पता ही नहीं इस फिल्म के बारे में, और मेरे हिसाब से तो सिर्फ डिम्पल और इरफान और मीता वशिष्ठ के परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये फिल्म देख लेना चाहिए। नेक्स्ट फिल्म जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है, अगेन पीपल शुड नो अबाउट दिस फिल्म, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस फिल्म, दिस इज अ गस वैन सैंट फिल्म कॉल्ड एलिफेंट। स्ट्रक्चरल फिल्म है बहुत, हाई स्कूल बॉम्बिंग्स जो होती हैं, हाई स्कूल शूटिंग्स जो होती हैं अमेरिका में, वैसे किसी इंसिडेंट पर बेस्ड है, मगर उसमें टाइम के स्ट्रक्चर को जिस तरह से यूज किया गया है ना, वो बहुत टाइम और स्पेस का यूज, क्योंकि उसमें बहुत ही लॉन्ग टेक्स हैं, कॉरिडोर्स में चले जा रहे हैं, कैमरा कट नहीं हो रहा, वैसे लॉन्ग टेक्स बहुत हैं और टाइम में बार बार आगे पीछे जा रहे हैं। छोटी सी 80 मिनट्स की फिल्म है। मैं देखी थी एलिफेंट, मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया था क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद देखी थी जो अगेन शूटिंग्स के ऊपर डेनी वेनेलोए किया, तो मेरे को मतलब आई डोंट नो मतलब मैं क्या मिस कर रहा हूँ उसमें, जैसे आप जो बता रहे हैं मेरे को, मैं शायद वापस देखने की कोशिश करूंगा मेरे को, क्योंकि आफ्टर पॉलिटेक्निक मेरे को बहुत जैसे अंडरवेलमिंग लगी थी, एंड आई नो कि इसमें प्री द इवेंट उस पर ज्यादा फोकस था, इट वॉज नॉट अबाउट शूटिंग्स एंड शूटिंग्स के बाद क्या हो रहा है, उससे पहले का सब कुछ था एक्चुअली। एलिफेंट ना वो जो मैंने बताया ना जेम्स मोनाको का सिनेमा फिल्म और मूवीज, तो उसमें जो सिनेमा है ना उसमें ये फिल्म, और कैन में इसको पाम डी ओर जो मिला है, मतलब मुझे क्या लगता है कि इसमें जो टाइम का यूज है ना, जो टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि क्या होता है देखो अभी मैं और मैं तुमसे बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग हमारे जो ऑर्डिनरी डेज होते हैं उसमें जो टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत रियल टाइम होता है, उसमें भी बहुत फैंसी नहीं हो रहा होता, वो बहुत ऑर्डिनरी हो रहा होता है, और अचानक कोई गन लेकर आता है और हमें मार डालता है, तो वो दिन एक बहुत ही ऑर्डिनरी डे रहा होगा जिसमें अचानक कोई आया और आके उसने मार दिया, लेकिन जिसने मारा है उसके लिए भी वो एक ऑर्डिनरी डे रहा होगा, जब वो उठा होगा, उसने ब्रेकफास्ट किया होगा, उसने नहाया होगा, वो कपड़े पहने होंगे, फिर उसने गन लोड किया होगा, फिर वो गाड़ी में बैठा होगा, फिर वो ड्राइव कर रहा होगा, और फिर वो आया होगा और उसने मार दिया, राइट। तो उसमें जो ऑर्डिनरीनेस ऑफ रियल टाइम है ना तो इतना बढ़िया कैप्चर किया कि जनरली फिल्म में ना हम लोग कहानी कहने के या थ्रिलिंग बनाने के चक्कर में उस ऑर्डिनरीनेस को नहीं कैप्चर कर पाते हैं। सो दैट अगली फिल्म जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये तो प्योर इंटेलिजेंस है ओके मेरा, 2009 में एक रंजीत कपूर की फिल्म आई थी चिंटू जी, हिंडोल खुश हो गए। इस फिल्म में एक बहुत बढ़िया गाना है जिसका नाम है अकीरा कुरोसावा, एंड द एंटायर सॉन्ग इज जस्ट दे वांटेड टू इन्वेंट अ जिब्रिश लैंग्वेज इन द फिल्म कोई ट्राइब के लिए, तो उन्होंने सिर्फ फिल्म मेकर्स के नाम यूज किए पूरे गाने में, सो इट्स लाइक मिज़ोगुची मिखाइल, अरे वो टीवीएफ का जो टीवीएफ का था मेकिंग ऑफ वाले वीडियो वाले जैसे होता है ना, जॉनी डेपम ना डेपम विद जस्ट नेम्स ऑफ फिल्म मेकर्स, उसका नाम है अकीरा कुरोसावा। वो गाना तो मेरा भजन है, देखो वो गाना उसमें जितने नाम है सब मेरे इष्ट देव है, तो वो गाना जो है ना टारेंटिनो वाइल्डर कापरा उजुबेर्तो लूची पेकिनपा फेलिनी विस्कोंती ओशिमा कोपोला कोपोला वाल्डर हिचकॉक वाल्दा
मिजुगुची डेपामा, वालेरी हिचकॉक वायदा, ब्रायन डेपामा, अकीरा कुरोसावा, विक्टोरियो डीसिका, अकीरा कुरोसावा, विक्टोरियो डीसिका। देखो फिल्म भी अपने आप में मजेदार है, मैं मुझे तो फिल्म भी बड़ी पसंद है। फिल्म में ऋषि कपूर प्लेज हिमसेल्फ, गांव है वो, गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है और उस गांव पे कोई ध्यान नहीं देता है और उस गांव के लोग बड़े ईमानदार हैं, सब ईमानदार है उस गांव में, और बगल में गांव है जहां सब चोर भरे पड़े हैं, तो जो बगल वाला गांव है बहुत प्रॉस्परस है और ये जो गांव है बहुत गरीब गांव है। तो ये गरीब गांव वाले एक दिन डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करें कि हमारे गांव में भी कुछ अच्छा हो। तो लोग बोलते हैं कि लेट अस इनवाइट सम सेलिब्रिटी जो कि हमारे गांव में आएंगे, तो उनके आने से हमारे गांव जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में कौन आना चाहेगा, कोई क्यों आएगा? तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत बोलती है कि चिंटू आएगा। तो लोग बोलते हैं चिंटू कौन? तो कहती है अरे वही राज और कृष्णा का बेटा। राज कपूर और कृष्णा जी घूम रही थी, घूमते घूमते वो इस गांव में पहुंचे, वो प्रेग्नेंट थी तो उनको लेबर पेन्स हुए, तो अचानक ये जो मिडवाइफ हैं इनको बुलाया गया था और उससे ऋषि कपूर का जन्म हुआ था। तो वो लोग कहते हैं कि ऋषि कपूर को इनवाइट करेंगे और ऋषि कपूर प्लेज अ वेरी करप्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, मतलब एकदम बहुत खराब आदमी। तो एक बहुत ही खराब आदमी इन भोले भाले लोगों का फायदा उठाने के लिए इस गांव में आ जाता है। तो फिर क्या होगा, ये है फिल्म। ओके तो चिंटू जी नाम है और उस फिल्म में एक जिब्रिश सॉन्ग है, मैं तो ये गाना क्लास में गा के सुनाता हूँ मेरे जो क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनको मिड सेमेस्टर में जब थोड़ा बच्चे मुझे समझ लेते हैं कि इंसान चिल्ड आउट है, ज्यादा सीरियसली नहीं लेता अपने आप को, तब मैं ये गाना गा के सुनाता हूँ। पीरियोडिक टेबल जब इस साइड में याद है, पीरियोडिक टेबल नहीं है, हमें ये सुना के दिखाओ गाना याद हुआ कि नाइस। एक फिल्म है 2013 में आई थी, शॉर्ट टर्म 12। शॉर्ट टर्म 12 बहुत लोगों ने देखी है, ऐसा नहीं कि नहीं देखी है, बट मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म लोगों ने नहीं देखी है फिल्म, बिकॉज ये फिल्म जो डिजर्व करती है मुझे तो लगता है उतने लोगों ने देखी नहीं। इट्स लाइक द बेस्ट फिल्म यू हैव नॉट सीन। ओके और मुझे शॉर्ट टर्म 12 बहुत ज्यादा पसंद है। मामी फिल्म फेस्टिवल में मैंने ये फिल्म देखी थी, अमेरिकन फिल्म थी तो मैंने देखने का प्लान बनाया नहीं था, बट कोई मैं जो फिल्म देखने जा तो वो फिल्म कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा अभी अब क्या करूं, तो इसमें घुस गया मैं। और जब ये फिल्म शुरू हुई और जब ये फिल्म आगे बढ़ी, इस फिल्म का आप स्टार कास्ट ही देखोगे, मतलब सब अभी लेजेंड बनने के रास्ते पर हैं और उन लोगों ने इतना करियर अर्ली इन देयर करियर दे डिड दिस फिल्म शॉर्ट टर्म 12। स्क्रीन राइटिंग के लिए भी बहुत ही बहुत बढ़िया फिल्म है, मैं हर साल इसका स्क्रीन प्ले एक बार जरूर पढ़ता हूँ। तो शॉर्ट टर्म 12 इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म। ऐसे तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड और बॉयहुड वगैरह भी है, मगर शॉर्ट टर्म 12 लोगों ने देखी नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म 12 को थोड़ा ज्यादा पर्सनली प्रमोट करता रहता हूँ। और टॉकिंग अबाउट मामी, 2015 में जो बेल्जियम की ऑस्कर एंट्री थी, एक फिल्म थी द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट, ये फिल्म मामी में देखी थी। और मैंने ये फिल्म इसलिए देखी क्योंकि बेल्जियम की ऑस्कर एंट्री है तो मैं चला गया देखने के लिए। और जब ये फिल्म मैंने देखी, अरे यार इतनी मजेदार फिल्म, इतना मजा आया। और ये ऐसे याको वान डोरमेल ऐसे फिल्म मेकर का नाम है कुछ, तो उन्होंने सिर्फ 4-5 ही फिल्में बनाई हैं अपने कुछ 30 साल के करियर में, तो मैंने उनकी फिर बाकी फिल्में भी देखी। और ब्रांड न्यू टेस्टमेंट तो मैंने मामी में देखी, मुझे बहुत पसंद आई, पूरा फिल्म खत्म हुई तो खड़े होकर 5 मिनट तक मैंने ताली बजाई और सब खुश थे इस फिल्म से। ओके मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला, सब ओवरऑल जनता खुश थी। उसके बाद मैंने बोला कि एक बार फिर से देखूंगा, तो मामी में तो रिपीट होती है ना फिल्में, तो मैं देखा कि सेकंड जो द ओनली स्क्रीनिंग लेफ्ट वो है रीगल में, कोलाबा जाना पड़ेगा देखने के लिए। और वो स्क्रीनिंग जो है वो आखिरी डे का लास्ट स्क्रीनिंग है, सो देन दिस विल बी माई क्लोजिंग फिल्म। मैंने बोला यार, और मामी में तो आप लोगों को पता ही है कि मतलब कोई फिल्म दो बार क्यों देखें, काउंट कम हो जाएगा है ना, कुछ और देख लेते हैं। गुलाबा क्यों जाए, गुलाबा जाने में ही एक फिल्म का काउंट कम हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं तो ये फिल्म दोबारा देखूंगा और ये फिल्म मेरी क्लोजिंग फिल्म होगी इस बार की। तो मैंने बोला कि यार मैं ना सिर्फ मैं दोबारा देखूंगा तो नहीं चलेगा, मैंने इस फिल्म को प्रमोट करना शुरू किया। तो मामी के थर्ड डे मैंने फिल्म देखी होगी, उसके बाद 4 दिन तक मैंने इस फिल्म को प्रमोट किया और मैंने इतने लोगों के कान में डाल दिया कि कोलाबा आ जाना फाइनल डे, ठीक है। उसके बाद मुझे ना सेकेंड लास्ट इवनिंग और लास्ट डे लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि सत्यांशु हम लोगों ने सुना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, तो हम लोग कोलाबा आने वाले हैं, आ जाए ना, मतलब तू समझ रहा है ना, आ जाए ना, वो पूरा ट्रैफिक वैफिक बीट करके आना पड़।
मैंने बोला बिल्कुल आ जाओ और मैं रहूंगा वहां पर आपका स्वागत करने के लिए। और फाइनली फाइनल मूवी ऑफ मामी, ऐसे ही पूरा एक एक्साइटमेंट का अलग लेवल होता है और नॉस्टैल्जिक भी फील हो रहा होता है कि चलो मामी खत्म होने वाला है। वहां पर रीगल के गेट पर मैं खड़ा हूँ नीचे, ठीक है, और अंधेरी से जनता आए जा रही है। हाँ, जो जनता कभी अंधेरी ना छोड़े, कभी वो लोग आए जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और मैं ना सबको वेलकम कर रहा हूँ जैसे कि मेरी फिल्म है। और रीगल में तो ऐसे 1100 लोग बैठ के देख सकते हैं। अब पूरा हाउसफुल हो गया। उसके बाद फिल्म स्टार्ट हुई, लोगो वोगो आया, मैं नर्वस हो गया एकदम। तो मैंने ना ऐसे जोर से चीयर करते हुए ताली बजाना शुरू किया, अकेले सिर्फ मेरी ताली बज रही है। और सिंस इट इज द लास्ट फिल्म ऑफ मामी, अदर्स आल्सो जॉइंड इन, ओके। और जनता होता है ना, जनता ट्रैवल करके आई है तो जनता भी एक्सपेक्टेशन, तो फिर जो तालियां बजने लग गई, मैंने बोला यार सही है अभी हो गया। तो मैं इस तरह से इस फिल्म से जुड़ गया था। और उसके बाद ये फिल्म स्टार्ट हुई और जब लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये फिल्म ना कॉमेडी है तो लोगों के रिएक्शंस आपको पता चलते हैं, रादर देन ड्रामा जहां पर लोग चुपचाप रो रहे हैं तो आपको पता नहीं ये रो रहे हैं या बोर हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों के रिएक्शंस। और जब फिल्म खत्म हुई तो मैं फिर से गेट पे खड़ा हो गया और लोग बाहर निकल रहे हैं, मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू। इस एक्सपीरियंस के बाद हम हिंडोल रैपिड फायर से ओटीटी वर्सेस थिएटर एक्सपीरियंस तो हटा ही देते हैं, ये तो थिएटर वो तो हट गया क्वेश्चन, अब थिएटर इसको इसको तो कुछ बीट वन अप नहीं कर सकता। और फिर मैंने अपने ब्लॉग पे ये इस फिल्म के फिल्म मेकर को एड्रेस करते हुए एक ओपन लेटर लिख दिया, ओपन लेटर टू द डायरेक्टर, कैसे मैंने आपकी फिल्म चुरा के अपनी बना ली। ओह नाइस मैन, हाउ नाइस, हाउ नाइस। So this is the 9th film and the 10th film that I want to recommend, ये recently देखी मैंने, Harry Dean Stanton की आखिरी फिल्म है, 2017 में आई थी, इस फिल्म का नाम है लकी, बहुत बेहतरीन फिल्म। इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस इस फिल्म को देख लीजिए, बहुत ही प्यारी। और इतने लेजेंडरी एक्टर की, जो कि होता है ना कुछ एक्टर्स होते हैं उनको स्टार बनने का मौका नहीं मिलता, मगर वो सिनेमा के हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनकी ये आखिरी फिल्म और इतनी ज्यादा वेल मेड फिल्म है और इतनी इतनी अच्छी फिल्म है। ये फिल्म मैंने रिसेंटली देखी, जब मुझे कोविड हुआ तब मैंने ये फिल्म देखी थी, और ये दिस इज द 10th फिल्म दैट आई वुड लाइक टू रेकमेंड। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी रिकमेंडेशंस थी सत्यांशु, एंड लाइक मेरे को लगता है बिफोर मूविंग ऑन टू द फाइनल सेगमेंट व्हिच इज बुक्स, एक बार एक लाइक टू गिव दैट द कंप्लीट क्लोजर, एंड ऑल ने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं and I also have one or two questions there जो मैं पूछूंगा, but like over to Hindal now। हाँ, तो इसमें वही करेंगे कि we you aren't allowed to think for any answer and we can also come back to the answer and analyze कि आपने कैसे ये answer किया, तो इसमें थोड़ा अरे ये बहुत मैं nervous हो गया भी। हाँ चलो cool, तो शुरू करते हैं। So one movie everyone loves but you can't stand, Rockstar, although Rockstar is not that loved by people. But Rockstar एक दिमाग में आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, but बहुत लोगों को पसंद है। Okay, one movie everyone hates but you love. Again, most people hate that film, but I absolutely love. हम साथ साथ हैं। Better writer Quentin Tarantino or Aaron Sorkin? Nice one. अरे बाप रे, तो बहुत डिफरेंस हो रहा है। काफी एम्पर नहीं मिलेगा सत्यांशु जल्दी। I think I'll go for Tarantino because वो क्या करेगा वो किसी को नहीं मालूम ना। It's nice. More exciting and nice. Yeah. Nice one. Cool. तो this is from your influences, Rishikesh Mukherjee और Ram Gopal Verma. Whom would you choose? Rishikesh Mukherjee because of his body of work. मतलब इतनी अच्छी फिल्में, इतनी ज्यादा। ऋषिकेश मुखर्जी। सो लास्ट क्वेश्चन है कि इफ नॉट फॉर लगान, इफ देयर इज वन अदर मूवी व्हिच यू वुड लाइक टू टीच इन एज अ स्क्रीन राइटिंग टीचर, व्हाट वुड दैट फिल्म बी? कैसाब्लांका। थैंक्स। मेरा एक सवाल है बहुत सिंपल सा है जो मैं हमेशा से पूछता आ रहा हूँ, विच फिल्म हैज बेटर म्यूजिक, वीर ज़ारा और कल्होनाउ? वीर ज़ारा बाय फार। And which film do you think is a better film, Veer Zara or Kalhona? Kalhona.
चलो नाइस 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 इसका लाइक हिंडोल तो दे रहे हैं हम कॉफी हैम्पर लाइक हाँ नहीं कॉफी हैम्पर तो नहीं हमारे पास बुक हैम्पर है और ये मुझे बुक मिली है अमेज़न पे इसका नाम आइडिया से पर्दे तक तो गाइस ये जरूर जाके लाइक पढ़िए लाइक सत्यांशु की ये नई किताब है एंड इट इज आल्सो को रिटन बाय रामकुमार सिंह जी सो इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग बुक दैट यू शुड डेफिनेटली चेक आउट एंड इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी होगा और एक बहुत सही सेगवे ले लिया है तुमने किताब दिखाई और अब हम किताबों के ऊपर आ सकते हैं किताबों के बारे में बात कर सकते हैं सो सत्यांशु टेल अस अबाउट दोस बुक्स लाइक 10 किताबें आई नो क्लीशे सवाल है बट इससे सिंपल हो जाता है 10 बुक रिकमेंडेशंस दैट यू वुड हैव या तो जब आप लोगों ने मुझे पहले कांटेक्ट किया था तो मुझे लगा था कि मुझे वो रिकमेंडेशन देने हैं जो दूसरों के लिए कुछ यूजफुल होंगे बट फिर आई रियलाइज दैट इट इज मोर अबाउट बुक्स दैट हैव अफेक्टेड मी इन्फ्लुएंस्ड मी my life and my career so then it becomes a little easy and more personal then you have you also have stories around every book right true so yaar aise to books ke hain but I would like to start with the first name that I would take is actually a collection of books which is all the champak and nandan and nanhe samrat that we used to read as kids mujhe lagta hai ki मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत अच्छी चीजें की हैं अपनी लाइफ में मगर एक जो चीज उन्होंने बहुत अच्छी की वो कि मुझे बहुत अर्ली स्टेज में ही मेरे हाथ में ये किताबें पकड़ी और चंपक नंदन चंपक ज्यादा बट आल्सो नंदन नन्हे सम्राट बालहंस इन किताबों का जो इम्पैक्ट रहा है स्टोरी के साथ जो जुड़ाव हो गया बहुत वेरी अर्ली मतलब खाली समय में हमेशा और आई एम टॉकिंग अबाउट एज अर्ली एज अ चाइल्ड कैन रीड मतलब बहुत ही ज्यादा पहले मम्मी तो कहती है कि मम्मी ने उसके बाद किसी बच्चे को देखा ही नहीं आज तक जो उतनी कम उम्र में ये सब पढ़ता था ऑफ कोर्स आई मीन वो फाउंडेशन आज तक मुझे लगता है कि है उसका कहीं ना कहीं अगेन दूसरा नंबर टू पे भी मैं एक कलेक्शन ऑफ बुक्स मेंशन करना चाहूंगा पुस्तक महल की किताबें आती थी अभी भी शायद आती होंगी उसमें ना ऐसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चिल्ड्रंस नॉलेज बैंक मैजिक ट्रिक्स ड्राइंग तथा पेंटिंग कोर्स इस तरह की किताबें आती थी 30-30, 25-25 रुपए की और हर किताब के पीछे ना पूरा कैटलॉग होता था बाकी किताबों का तो मैं वो खत्म करके देखता था कि अब कौन सी किताब पढ़ूंगा और बर्थडे बर्थडे पर कोई अंकल वंकल पूछते थे बेटा क्या गिफ्ट चाहिए तो मैं ऐसे दिखा देता था कि मुझे ये वाली किताब चाहिए तो फिर बाकी लोग बोलते थे क्या तुम 25 रुपए का गिफ्ट ले रहे हो अंकल से बट मुझे उतना समझ भी नहीं आता था कि 25 रुपए का गिफ्ट ले रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है मुझे तो दिख रहा था कि माइंड ब्लोइंग किताब मेरे हाथ में आने वाली है इसमें चिल्ड्रंस नॉलेज बैंक करके एक सीरीज था जिसमें 6 अलग अलग वॉल्यूम्स थे और उसमें ना ऐसे क्वेश्चंस होते थे और फिर क्वेश्चन का आंसर होता था फैक्ट बेस्ड जैसे क्या ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में चुंबक लगा था ठीक है पेले को फुटबॉल का काला हीरा क्यों कहते हैं क्या डॉन ब्रैडमैन रन बनाने की मशीन थे और उसके बाद उसमें ना फैक्ट होता था और उसमें मुझे ये भी याद है कि जैसे डॉन ब्रैडमैन वाले पेज में लिखा था कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का कीर्तिमान डॉन ब्रैडमैन के नाम है उन्होंने 29 इनके शतकों की संख्या 29 है ऐसा था मेरे पिताजी इस पे काफी नाराज हो गए थे क्योंकि तब तक सुनील गावस्कर हैड ब्रोकन दैट रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने पायलट पेन से उसको काट कर करेक्शन किया था कि सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भारत के सुनील मनोहर गावस्कर के नाम है अरे नाइस ठीक है तो वो वैसी किताबें तो मैं बार बार पढ़ता था और भी इस तरह की बहुत सारी थी यार मुझे याद है कि एक एक किताब मैंने कहीं पढ़ा था समथिंग आई कैन नेवर फॉरगेट इतिहास की सबसे बड़ी भूल हाँ तो इस तरह की चीजें थी और सो ग्रोइंग अप आई थिंक पुस्तक महल अगेन वेरी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ कोर्स मैजिक ट्रिक्स एंड ऑल एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑल ऑफ दैट आई मीन आई एम नॉट गुड एट आई एम नॉट ग्रेट एट एनीथिंग जस्ट दैट इट ओरिएंटेड मी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सो दैट द थर्ड बुक दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज द ओल्डेस्ट बुक इन द ऑन द लिस्ट द भगवद गीता बाय वेद व्यास भगवद गीता मैंने क्लास 5th में पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में था वहां पर हम लोग रोज गीता से चैंटिंग करते थे
तो 6 साल तक, क्लास 5th से क्लास 10th तक, हम लोगों ने ऑलमोस्ट डेली गीता के कुछ श्लोक चैंट किए होंगे। और जन्माष्टमी वगैरह में तो पूरे 18 चैप्टर का अखंड गीता पाठ होता था जो हम लोग करते थे। 18 चैप्टर्स एक साथ रीड किए जाते थे। क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, रिलीजियोसिटी मेरे में उतना ज्यादा नहीं है एक्चुअली, कि मतलब मेरे लिए ना गीता बहुत खूबसूरत किताब है। मतलब वो उसकी जो पोएट्री है ना, मुझे संस्कृत बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन जितना आता है और मुझे पोएट्री की जो समझ है, मीटर जो कहते हैं ना हम लोग जब कविता लिखते हैं तो मीटर, मीटर जो है ना गीता का, इतना एब्सोल्यूट है कि अगर आप उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकोगे ना तो आप मीटर टूट जाएगा। मतलब एक आधा मात्रा भी उसमें इतना परफेक्ट है। सो दैट रियली वॉज समथिंग दैट आई नोटेड वाइल ग्रोइंग अप। मेरे टीनेज एडोलेसेंस में भगवद गीता वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन। The second thing that I noted there was that it has great metaphorical meaning in the context of a war. So that itself for me was a great thing. And then of course I read somewhere that Gita was a later addition to Mahabharat. Apparently Vedvyas or whoever wrote Mahabharat, early readers of his book said ki isme to sirf apne jo bhi bura hai insaniyat ke saath sab dikha gaya. To unhone ek artificial subplot dala कि वॉर के जस्ट पहले अर्जुन को ना डाउट होता है तो कृष्ण जो है वो टाइम रोक देते। देखो कितना आसान, देखो कितना कन्वीनियंट प्लॉटिंग है कि आपको एक सबप्लॉट बना था, आपने टाइम को ही रोक दिया जिससे कि बाकी सबप्लॉट सब रुक गए। और वहां पर 700 पेजेस में उन्होंने अपना जो भी उपनिषद की फिलोसफी जो थी उनको जो भी पता था उसको समराइज कर दिया उन्होंने इन 700 श्लोकस। सो इट बिकम्स अ रियली कंसाइज gateway or window into the philosophy of the Upanishad. So that again I think really influenced me. And then before I reached class 10th or 11th I had started reading the interpretations of Bhagavad Gita. Sarvapalli Radhakrishnan ka interpretation of Bhagavad Gita, Mahatma Gandhi ka interpretation of Bhagavad Gita, ye sab jab main padhne laga to aur mujhe uska dikhne laga ki ye kitna rich text hai. So again I think it's not one of my favorite books, but it has affected me greatly. And of course, mere nana ji ka ki death hui jis din, maine dekha ki meri maa ne nana ji ki body rakhi hui hai aur log aane lage hain aur phool hain aur agarbatti hai aur wahan log ikattha hone lage hain. Wahan par mummy ne mujhe geeta dekar bola ki tum geeta padho, not the shlokas but the hindi meaning of the entire Gita. तो लोग बैठे हुए हैं, नाना जी की डेड बॉडी रखी हुई है और मैं गीता पढ़ रहा हूँ। Suddenly in that context, the meaning of everything that you know, those जो गीता के सबसे क्लीशे जो गीता के quotes हैं वो क्या है, वो यही है ना कि शरीर जो है वो सिर्फ कपड़ा है, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उस तरह आत्मा शरीर बदलती है, तो इसीलिए किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा नष्ट नहीं होती। तो वो सारी चीजें जो हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, अगेन इट वाज अ बिग इंपैक्ट ऑन मी। सो आई थिंक भगवद गीता डेफिनेटली इज अ बुक दैट दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मी। देन अराउंड 97-98 आई रेड अ हिंदी नॉवल कॉल्ड दाग बाय आबिद सोटी। उस बुक का इन्फ्लुएंस मैं ये बताऊं, मैंने डॉक्टर बनने का डिसीजन ले लिया वो बुक पढ़ के। एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ हिंदू मुस्लिम टेंशन एंड एलोपैथी एंड आयुर्वेद, एक बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी थी जिसमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा सबप्लॉट था। उस हार्ट ट्रांसप्लांट को जैसे उस राइटर ने लिखा था, मैंने बोला यार मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उस किताब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अंटिल क्लास 8 मेरा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मगर वो बुक पढ़ के मैंने कहा नहीं, अब तो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। तो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और ऑफकोर्स स्टोरी वाइज भी बहुत सिनेमैटिक, बहुत ही फिल्मी था वो। अराउंड द सेम टाइम 97-98 में मैंने रस्किन बॉन्ड की रूम ऑन द रूफ पढ़ी, जो कि अगेन रिटन बाय अ 16-year-old, एंड आई रेड इट व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 14 और 15। तो वो जो टीनेज का जो होता है ना अवेकनिंग और रोमांस को देखने का तरीका, और मतलब वो जो बचपना अब जा रहा है और हम बड़े हो रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन के फेज में रूम ऑन द रूफ और उसके प्रोटैगनिस्ट रस्टी की कहानी, वो मैंने वो किताब कई बार पढ़ी है। इनफैक्ट मैंने उस किताब के चैप्टर्स को सीन्स में कन्वर्ट कर करके प्लस टू तक तो मैं स्क्रीन प्ले लिखने लग गया था, उसी किताब के सीन्स को मतलब चैप्टर्स से सीन बना देता था।
So that again, and of course after that I read almost every novel written by Ruskin Bond और बहुत बड़ा मैं उनका fan बना. अभी last year मैं देहरादून गया था तो मैं मसूरी भी गया और वहाँ पे मैंने Room on the Roof का एक latest version खरीदा और उस पर मैंने रस्किन बॉन्ड से साइन करवाया. मतलब आई कुड नॉट मीट हिम पर्सनली बट मसूरी में एक शॉप है जहाँ पर वो आते हैं और आकर साइन करते हैं. वाह. हाँ तो उन्होंने बोला कि अभी कोविड के कारण वो नहीं आ रहे हैं लेकिन आप चाहो तो आप बुक ऑर्डर कर दो और हम रस्किन बॉन्ड से साइन करवा के देंगे. तो ये एक नया एडिशन रूम ऑन द रूफ का मैंने खरीदा और ये रस्किन बॉन्ड से साइन होकर फिर उन लोगों ने मुझे कुरियर करके भेज दिया. तो मैं ये बहुत ही प्यारा एक पोजीशन है मेरा. एंड देन वी कम टू माय फेवरेट बुक ऑफ माय ऑफ ऑल टाइम. इट्स अ टाइनी बुक. मेरे पास तो अभी है भी नहीं, पता नहीं कहाँ है वो. रिचर्ड बाक करके एक ऑथर है, उनकी बुक है जोनाथन लिविंगस्टन सीगर. इस किताब की तो एक स्टोरी है भाई, ये तो बताना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है. तो हम लोगों को स्कूल में हॉस्टल में जब अवार्ड्स मिलते थे ना तो किताबें बहुत मिलती थी. तो अवार्ड सेरेमनी के लिए कलकत्ता से हर बार किसी टीचर को असाइन किया जाता था कि आप जाकर किताबें लेकर आओगे. तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लेकर वो आते थे और वो किताबें बांटी जाती थी. तो जब मैं क्लास 10th में था और अवार्ड सेरेमनी हो गई तो अवार्ड सेरेमनी के बाद जो उस बार जो सर थे मतलब उनके हाथ में सबसे पहले हैरी पॉटर देखा था मैंने. मतलब वो काफी वो पढ़ते थे और उनको पता था दुनिया में क्या हो रहा है. तो उनसे हम लोगों ने क्लास में पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद कि सर इस बार जितनी किताबें आप लेकर आए कलकत्ता से उसमें बेस्ट किताब कौन सी है. तो उन्होंने बोला जोनाथन लिविंगस्टन सीगल नाम की एक किताब है, उसको मैं दो कॉपी लेकर आया था, दो ही लोगों को वो अवार्ड में मिली होगी वो किताब. तो उनमें से एक मैं था जिसको वो किताब मिली थी. तो मुझे बहुत अवार्ड्स मिले थे, बहुत सारी किताबें मिली थी, उसमें एक ही छोटी सी किताब थी. मैंने कहा ये क्या किताब है यार, छोटी सी, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं उस किताब में, बहुत यू वोंट टेक दैट बुक सीरियसली. जब सर ने बोला कि किताब बेस्ट बुक है इस बार की तो सबने पढ़ी वो किताब. मतलब मुझसे ले लेकर मैंने भी पढ़ी, बाकी लोगों ने भी पढ़ी. उस किताब में कुछ नहीं है, सीगल जो होते हैं वो मीडियम फ्लायर होते हैं, सीगल बहुत ज्यादा उड़ते नहीं है. तो अगर कोई एक सीगल है जोनाथन लिविंगस्टन नाम का, टीनेज सीगल है, एडोलेसेंट सीगल, वो कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, तो उसका घर परिवार माँ बाप दोस्त यार सोसाइटी सब उसको कहते हैं कि तुम क्यों उड़ना चाहते हो, तुम चुपचाप जितना उड़ना है उतना उड़ो, मछली पकड़ के लाओ और खाओ, तुम ये दूर दूर की उड़ान क्यों भरना चाहते हो. तो वो बुक इसी पर है कि एक बच्चा, एक टीनेजर या एक एडोलेसेंट बॉय उड़ना चाहता है और लोग उसको उड़ने नहीं दे रहे. ओके तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किताब सिर्फ मेरे के, आप सब जो भी पढ़ोगे सबको ये किताब बहुत पसंद आएगी, स्पेशली अराउंड व्हेन यू आर यू नो 17, 18, 19 उस वक्त अगर आप ये किताब पढ़ोगे. अच्छा ये किताब मैंने पढ़ी 2000 में. ओके कट टू 8 years लेटर, मेरा MBBS खत्म होने वाला है. 7 साल फौज में मेरा कंपलसरी मैंडेटरी सर्विस था, अगर मैं वो नहीं करता हूं तो मुझे 15 लाख रुपए देकर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता. तो मेरे घर से बहुत रेजिस्टेंस था इस चीज का, ऑब्वियसली होगा रेजिस्टेंस कि तुम डॉक्टर बनने गए थे, अभी क्या फिल्म मेकर बनने का शौक चढ़ गया. तब तक मैं चिंटू का बर्थडे लिख चुका था. तो 22 मार्च 2008 को होली थी. मुझे क्यों याद है डेट 22 मार्च 2008 को होली थी, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी था. ठीक है तो घर वालों ने फोन किया, रिश्तेदार नाना नानी मौसी सबने फोन किया बर्थडे के लिए, और सब हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद मुझे ज्ञान देने लगे कि तुम बहुत गलत कर रहे हो बेटा. ठीक है तो जब ये बहुत लंबा चल गया, 1 घंटे तक मैं सुन रहा हूँ अलग अलग लोगों के मुंह से, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया. मैंने बोला मुझे मम्मी से बात करनी है, अपनी माँ से. राइट. हाँ लेकिन फोन में पैसे नहीं होते थे, बैलेंस नहीं होता था, तो मिस्ड कॉल मारते थे और उधर से फिर मम्मी पापा कॉल बैक करते थे. तो ऑफकोर्स उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो कुछ भी नहीं होता था, SMS में पैसे लगते थे. तो मेरे फोन में बिल्कुल पैसे नहीं थे उस दिन, जीरो. तो मैं चला गया जहाँ कॉलेज था, कॉलेज का हॉस्टल से नीचे पीछे निकल के जो क्लोजेस्ट जो मार्केट एरिया था वहां जाकर मैं STD बूथ से फोन लगा रहा हूँ. अब होली के दिन सुबह 10 बजे आप फोन लगा लो STD बूथ से बिहार, सवाल है कि फोन लग जाए आपका. ठीक है
तो मैं अगेन आधा घंटा 45 मिनट तक ट्राई करता रहा, फोन ही नहीं लगा। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। जनरली मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता लाइफ में, बट उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। बर्थडे भी था ना, तो तुम नहीं चाहते हो ना कि बर्थडे के दिन कुछ बुरा हो, राइट? तो मैं ना बहुत दुखी होके वापस हॉस्टल आने लगा। एंड किससे शेयर करूं मैं, मतलब वो पूरा अंदर पूरा फ्रस्ट्रेशन था और बहुत दुखी था मैं। मैं वापस आ रहा हूं, आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में एक नाम आया, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। मतलब ये जो लाइफ के मैजिक होते हैं ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। मैंने 8 साल पहले वो किताब पढ़ी थी, 8 साल तक वो किताब मेरे पास थी भी नहीं। अचानक उस किताब कहीं से मेरे दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने जॉनथन लिविंगस्टन सीगल का नाम थ्रो किया और मैं स्माइल करने लगा। मैं अपने हॉस्टल में अपने रूम पे आया, मैंने कमरा बंद किया और मैंने सबसे पहले एक पोएम लिखा। उस पोएम में मैंने जॉनथन को कमिट किया कि मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं, मैं नहीं रुकने वाला हूं। तो वो कमिटमेंट मैंने पोएम में की। होली खेलने के बाद लोग भांग वांग पी चुके हैं, लंच कर चुके हैं और सब सो रहे हैं। मैंने एक फ्रेंड से बाइक ली और मैं चला गया लैंडमार्क बुक स्टोर जो पुणे में एमजी रोड के पास था। और उस बुक स्टोर पे जाकर, क्योंकि पैसे नहीं होते थे यार कि बुक खरीद लूं, बट लैंडमार्क वाले बोलते थे आके पढ़ोगे तो चलेगा, हमको नोट्स मत बनाना बस। तो मैं वहां गया, मैंने ये किताब ढूंढी, मैं बैठा। मेरा बर्थडे गिफ्ट था कि मैंने वो किताब को पढ़ा और आधे घंटे में मैंने उस किताब को खत्म किया, उस किताब को वापस शेल्फ में रख दिया और खुशी खुशी बाइक चलाता हुआ वापस हॉस्टल आ गया। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है कल को जब मैंने उड़ान के पोएम्स लिखे या जब उड़ान की कहानी से मैंने रिलेट किया, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस किताब का भी था। बिकॉज अल्टीमेटली फ्लाइट की ही बात हो रही थी और वहां भी एक मेरे, मतलब एक 17-18 साल का लड़का था जो ड्रीम कर रहा था और उसको और कोई कह रहा था कि तुम मत उड़ो, और वो बंदा उड़ गया एंड में। तो आई थिंक जॉनथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बाक इज द मोस्ट स्पेशल बुक फॉर मी। देन ऑफकोर्स आई केम टू बॉम्बे एंड आई रियलाइज वेरी सून की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैं बचपन से पढ़ने का शौक हूँ, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं तो नर्ड किस्म का हूँ। तो मैंने बोला कि अब तो सिनेमा सीखना पड़ेगा। तो हाउ टू रीड अ फिल्म बाय जेम्स मोनाको, ये किताब मैंने पढ़ी और ये माइंड ब्लोइंग, मतलब सिनेमा पे इतनी होलसम किताब मैंने देखी नहीं है, हाउ टू रीड अ फिल्म। इसमें फिल्म हिस्ट्री भी कवर करते हैं वो, मगर साथ में वो फिल्म क्रिटिसिज्म भी कवर करते हैं, वो बहुत चीजें कवर कर रहे हैं उसमें। उसमें इमेजेस के मेटाफरिकल जो मोटिव्स होते हैं उसको भी कवर कर रहे हैं, वो लेंसिंग भी कवर कर रहे हैं। बहुत ही बहुत अमेजिंग किताब है, हाउ टू रीड अ फिल्म, क्लासिक है वो सिनेमा का। बल्कि मुझे याद है कि अर्ली डेज में जब विकिपीडिया पेजेस बहुत रैपिडली अपडेट नहीं हुआ करते थे, तो अगर तुम विकिपीडिया सिनेमा के विकिपीडिया पेज पे जाओगे ना, सिनेमा के विकिपीडिया पेज पे, तो उसमें सिर्फ एक किताब का रिकमेंडेशन था और वो था हाउ टू रीड अ फिल्म। तो ये बहुत बढ़िया किताब है, इससे मेरा पूरा सिनेमा स्टडीज का फाउंडेशन बना। और उसके बाद 2015 में मैंने रॉबर्ट मकी की स्टोरी पढ़ी। आई मेंटेन दैट यू शुड नॉट रीड द बुक अंटिल यू हैव रिटन 3-4 मूवीज, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, विच माइट मिस गाइड यू। बट रॉबर्ट मकी की स्टोरी ने इतने कॉन्सेप्ट दे दिए, एज अ स्क्रीन राइटर इतना एनरिच कर दिया उसने मुझे या मेरे अप्रोच को, कि ऑफकोर्स स्टोरी बाय रॉबर्ट मकी। However, पता है, until recently, until 2 years ago, मैं पढ़ता नहीं था किताबें, मैं मूवीज देखता रहता था और किताबें नहीं ज्यादा पढ़ता था। इसीलिए जब आप लोगों ने बोला ना कि बुक रिकमेंडेशंस भी डिस्कस करेंगे, तो मैं बड़ा नर्वस हो गया कि यार मैं तो पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो मैं क्या बोलूंगा। दिस चेंज 2 years ago, पिछले 2 साल में मैंने कुछ 30-35 किताबें पढ़ी हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी। ये किताब है द 10 Types of Human, डेक्सटर डायस की। ये 800 पेज की किताब है। इस किताब को खत्म करने में काफी समय लगा मुझे, मगर एक तो ये किताब अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं कि ये किताब क्या है, तो द बुक टेल्स यू हु वी आर एंड व्हाट वी कैन बी। हम कितने अच्छे हो सकते हैं एज अ स्पीशीज और हम कितने बुरे हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कितने अच्छे हो सकते हैं और कितने बुरे हो सकते हैं, और ऐसा क्यों है, क्यों हम ऐसे हैं,
उस पर ये किताब है। इसमें बहुत ज्यादा सेपियंस वगैरह की तरह बहुत ज्यादा साइंस कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स लॉयर ने बुक लिखी है, तो इसमें बहुत ह्यूमैनिटी है। तो इस किताब को अगर आप पढ़ोगे कि आपका कुछ बायोलॉजी या न्यूरोबायोलॉजी या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वगैरह के बारे में कुछ कमाल आप सीख जाओगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये किताब आप ह्यूमैनिटी को बेटर समझने के लिए और अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को बेटर समझने के लिए अगर आप ये किताब उठाओगे तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। ये 800 पेज की किताब पढ़ के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी पढ़ सकता हूँ किताबें। और इसीलिए इट इज अ बुक दैट हैज शेप्ड मी बिकॉज आई फिनिश दिस बुक एंड देन ओवर द नेक्स्ट 2 years आई फिनिश 30 अदर बुक्स। तो इसलिए आई वुड लाइक टू काउंट दिस बुक। And then the last book that I would like to mention is a book that I read recently in the hospital when I was fighting COVID and I was not in a good shape. And उस वक्त काफी काफी कभी कभी हालत बुरी हो जाती थी, mentally भी लगता था कि शायद hope नहीं है अभी कि मैं इस hospital से वापस आ पाऊंगा। और उस माहौल में मतलब मेरे साथ और भी COVID patients थे, मगर मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। तो मैं 7 दिन तक तो बिस्तर से उठ नहीं पाया था, मतलब मैं बाथरूम भी नहीं जा पाता था और मैं टोटल 12 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा था। उसके बाद भी अभी तक प्रॉब्लम है मुझे, पोस्ट कोविड बहुत लंबा चल रहा है, मगर मैं मेंटली बहुत अच्छे स्टेट में हूँ बिकॉज मैंने हॉस्पिटल में एक किताब पढ़ी जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था, मगर वो किताब पढ़ने का मौका नहीं लग रहा था। लगता था कि यार ये किताब अभी कैसे पढ़ूं। ये किताब विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग है। ग्रेट बुक्स का ना एक होता है यार, वो उसमें एक सिंप्लिसिटी होती है, उसमें एक पावर होता है जो कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैन सर्च फॉर मीनिंग वही है, कोई मेरे से पूछेगा कि क्या है, मैं बोलूंगा यार क्या है, अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है उसमें, मगर इट द वे इट अफेक्ट्स यू एंड ऑफ कोर्स हाउ द बुक एंड्स is extremely useful, I think, because Viktor Frankl in that book says that psychologists before him or psychiatrists before him, like Sigmund Freud and others, have tried to explain human behavior in terms of something like whatever we do it for pleasure. This is how Freud has tried to explain human behavior. Whatever we do it for pleasure. And another school of thought is that whatever we do it for power. Okay. But Viktor Frankl says that whatever we do to find a meaning. Nice. So we are not driven by pleasure. We are not driven by power. We are driven by meaning. Ki jo ho raha hai, uska matlab kya hai? Aapke saath kuch bahut bura bhi hoga na? अगर आपको लगेगा कि इसका जरूर कोई मतलब होगा तो आप फाइट बैक कर सकोगे, लेकिन अगर आपको लोगों ने यह समझा दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट द अनलकी गाय, तो आप बहुत टूट जाओगे कि मेरे साथ क्यों हो गया, राइट? विक्टर फ्रैंकल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है एंड दैट्स व्हाई मैं पर्सनली रेजोनेट कर सका बिकॉज मेरा वर्ल्ड व्यू थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है, मेरा वर्ल्ड व्यू उतना सिनिकल और ब्लीक नहीं है, और इसीलिए अब्सर्डिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म ने मुझे कभी बहुत ज्यादा अपील नहीं किया। बट ये जो मैन सर्च फॉर मीनिंग है कि हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, एंड आई थिंक दैट रियली रियली हेल्प मी। आई मीन सी इफ वी लुक बैक एट द कॉन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड, इन अ वे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज ऑलमोस्ट 4 decades ऑफ माई लाइफ in terms of the books and the movies that have influenced me, almost trying to make sense of what was the role of that movie or that book in my life. True. And how that shaped me. So you asked me to recommend movies and books and I tried to find meaning through it, right? Through these recommendations. So this is the final book that I would like to share with you guys. ये तो बहुत ही बढ़िया recommendations थी ना, especially like कि how you tried to give us insights into your experiences, चाहे वो थिएटर वाली स्टोरी हो या चाहे जैसे आपने भी मैन सर्च फॉर मीनिंग की बात की, देयर इज सो मच डेप्थ इन इट एंड लाइक वी रियली रियली एंजॉयड इट। सो थैंक यू सो मच सत्यांशु फॉर डूइंग दिस।
एंड मैं जाने से पहले 2 मिनट लेके आपसे चाहता हूँ कि आइडिया से पर्दे तक की भी हम बात करें. एंड मैं और इंडोला भी सोच रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड कि पूरी की तब हिंदी में जो फर्स्ट इज कि ये आपने बुक भी जो रेकमेंड की बहुत सारी आपकी हिंदी इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताया. सो व्हाट वाज द रीजन टू डू इट इन हिंदी देन फिर टाइटल में एक वर्ड इंग्लिश क्यों है. मैं ऐसे सोच रहा था आइडिया इंग्लिश में गया. व्हाई इज इट नॉट अ कंप्लीटली हिंदी टाइटल उस रिगार्ड में. सो एक्चुअली आइडिया जो वर्ड है कॉन्सेप्ट फॉर अ मूवी और आइडिया ऑफ अ स्टोरी, इसके लिए आप अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड ढूंढने जाओगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे है क्या. मेरे को एक्चुअली क्लिक भी नहीं कर रहा. व्हाट इज द वर्ड फॉर आइडिया इन हिंदी. ये रामकुमार जी ने वर्ड मेंशन किया है. मुझे सोच के बताना पड़ेगा. मेरी हिंदी रामकुमार जी जितनी अच्छी नहीं है. जनरली आइडिया का नॉर्मल हिंदी ट्रांसलेशन करोगे आप तो आप बोलोगे सोच, बोलोगे विचार, बोलोगे सोच विचार. लेकिन अगर अगर मैं बोलूंगा आपकी कहानी का सोच क्या है तो आपको नहीं चमकेगा. या बोलूंगा आपकी कहानी का विचार क्या तो आप थीम पे चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा. आप मुझे उसका 2 लाइन में कहानी नहीं बताओगे. लेकिन मैं बोलूंगा आपकी कहानी का आइडिया क्या है, आपकी फिल्म का आइडिया क्या है तो आप 2 लाइन में बता दोगे कि एक बच्चा है, उसका बर्थडे है, फैमिली इराक में फंसा हुआ. तो आइडिया एज अ वर्ड इन आवर इंडस्ट्री एंड अमंग एस्पायरिंग राइटर्स इज द इजिएस्ट वर्ड टू कम्युनिकेट दिस मीनिंग. और इसलिए हमने इस किताब को इसी तरीके से लिखा है. हमने इस किताब को, किसी ने इस किताब के रिव्यू में लिखा था कि जब आप ये किताब पढ़ते हो तो लगता नहीं है कि कोई क्लासरूम में पढ़ा रहा है, लगता है कॉलेज के कैंटीन में एक सीनियर स्टूडेंट आपके साथ बैठकर चाय पीते हुए आपको कुछ लाइफ का लाइफ के लेसन बता रहे. तो इसीलिए हम लोगों ने टाइटल को एक बहुत ही कैजुअल टाइटल तक रखा. और हिंदी में बुक लिखने का रीजन यही है कि मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे, मतलब लाखों ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर बन सकते हैं मगर उनको नेसेसरली अंग्रेजी नहीं आती. तो या तो वो हिंदी आती है उनको या उनकी दूसरे मदर टंग उनका दूसरा है. और मुझे लगता है कि यार स्क्रीन राइटिंग तो सीखने की चीज है. मतलब अनलाइक पोएट्री एंड नॉवल राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग तो बिना सीखे उसको मास्टर करना बहुत ही मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में इतनी सारी किताबें इंग्लिश में हैं स्क्रीन राइटिंग के ऊपर और यूट्यूब वीडियोज हैं और वो सब पढ़ के हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की ना, हमने स्क्रीन राइटिंग वैसे सीखी, सिड फील्ड को पढ़ा हमने, रॉबर्ट मैकी को पढ़ा. तो जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है वो लोग अगर स्क्रीन राइटिंग सीखना चाहें बिल्कुल शुरुआत से तो उनके पास एक बहुत ही हैंडी, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही प्रैक्टिकल बुक होनी चाहिए. वो बुक जो प्रैक्टिकल हो रादर देन कि वो ज्ञान देकर चली गई वो किताब और आपको पता नहीं किसका मैं करूं क्या. तो इसीलिए वी डिसाइड टू राइट अ बुक इन हिंदी, अ वेरी प्रैक्टिकल इजी रीड, अ लाइट बुक, इजी रीड, ऑल्सो वेरी रीजनेबली प्राइस्ड. राजकमल प्रकाशन वालों ने, दे आर अमंग द बिगेस्ट पब्लिशर्स इन हिंदी, और उन्होंने 199 रुपीज में इस किताब को प्राइस किया. तो उसके कारण हम उम्मीद है हमारी, रामकुमार जी की और मेरी, की ये किताब जो है वो लोगों तक पहुंचे. इसीलिए हिंदी में लिखी है. और मैं सच बताऊं एम्बिशन तो मेरा है कि इस किताब को दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में भी अडेप्ट करना चाहिए. मैं ट्रांसलेट नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. इसमें कई एग्जाम्पल्स हिंदी फिल्मों से, अगर मान लो ये मलयालम में लिखी जा रही है तो मलयालम फिल्मों के एग्जाम्पल्स के साथ अगर लिखी जाए तो ज्यादा यूजफुल रहेगी. अगर ये असमी लिखी जा रही है तो असमीज फिल्मों, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, विच इज अ लॉन्गर प्रोसेस. बट मेरा ड्रीम है कि इस किताब को हम अलग अलग लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस में अडेप्ट कर सकें जिससे कि और भी लोग जो दूसरे लैंग्वेजेस जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट राइटर बन सके जितने हम लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो गाइज जरूर जाके आइडिया से पर्दे तक को अमेजोन पे ऑर्डर कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा. एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू सत्यांशु फॉर डूइंग सच एन हार्टफेल्ट एपिसोड. मतलब आपने हर लाइक बिकॉज द इनसाइट्स एंड द स्टोरीज दैट वर अटैच्ड टू द रिकमेंडेशंस, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया इसमें. दोस्तों ये चलचित्र टॉक्स बहुत ही प्यारा यूट्यूब चैनल है, मुझे बहुत पसंद है. इसी चैनल पर मैंने लगान के बारे में एक लंबी चौड़ी बातचीत भी हिंडोल के साथ की है तो वो भी एक कारण है. बट आप वो वीडियो देखें ना देखें, चलचित्र टॉक्स ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ के वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में आप हमें बताएं
कि मेरा वीडियो बाकी वीडियो से कितना ज्यादा बोरिंग था. थैंक यू सत्यांशु, दिस वाज अमेजिंग एंड वी विश टू इनवाइट यू अगेन. लाइक अगर कोई भी ऐसे स्ट्रीम्स हो, आपने बता दी सारी फिल्में, तो जब भी हम उनसे रिलेटेड कोई स्ट्रीम कर रहे होंगे और जब मैं ये सीगल वाली किताब पढ़ूंगा तो एक पक्का स्ट्रीम पे मैं बुलाऊंगा आपको. एंड सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू वैभव. थैंक यू एंड ऑल. थैंक यू सो मच.